गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, लेट अस स्टार्ट इन जीके पेज नंबर 44। वेयर पीपल लिव, तो अलग अलग हाउसेस दिखाए हुए हैं, उनके बारे में आपको रीड आउट करना और लर्न करना है। हट्स आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। हट्स किसकी बनी होती है? मड एंड स्ट्रॉ, मिट्टी और स्ट्रॉ की। समटाइम्स ब्रिक्स और लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड, कभी कभी ब्रिक्स और लीव्स भी इसमें हट्स में यूज करते हैं। हट्स आर चीप एंड ईजी टू मेक, हट्स बनाने के लिए क्या है, एक तो ईजीली बन जाती है और सस्ती होती है, तो दिस इज ए हट। नेक्स्ट इज बंगलो, ए बंगलो इज ए सिंगल स्टोरी हाउस विथ ए स्लोपिंग रूफ। बंगले कैसे होते हैं? सिंगल स्टोरी, और उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो स्लोपिंग होती है। इट इज़ यूजुअली स्मॉल एंड ऑफन सराउंडेड बाय ए वरांडा। नेक्स्ट इज टेंट, ए टेंट इज ए शेल्टर यूजुअली मेड ऑफ ए लार्ज शीट ऑफ कैनवास। कैनवास का बना हुआ होता है टेंट। दिस कैन बी मूव्ड एंड फिक्स्ड इजीली टू अदर प्लेसेस, ये कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। इनमें कौन रहता है? सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन टेंट्स। नेक्स्ट इज पैलेस, ए पैलेस इज ए लार्ज बिल्डिंग दैट इज द होम ऑफ द किंग और द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो महल किसी भी राजा या प्रेसिडेंट जो उस कंट्री का होता है उसकी होती है ये लार्ज बिल्डिंग। वन ऑफ द फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज बकिंगम पैलेस इन लंदन। लंदन का जो बकिंगम पैलेस है वो वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट इज अपार्टमेंट ब्लॉक, तो एक लार्ज बिल्डिंग होती है उसमें कई सारी फैमिलीज रहती है, दिस इज दैट इज कॉल्ड अपार्टमेंट ब्लॉक। An apartment block is a large building which has many stories where many family live. अब कुछ ये questions है। Who lives in a igloo? Eskimos रहते हैं igloo में। A house on wheel is called, जो house wheel पे होता है पहियों पे उसे कहेंगे caravan। और early men used to live in caves। तो ये आपको learn करना है और रीड करना। थैंक यू।